मैं क्या कितने आजाद घूम रहे, ना गुंडागर्दी ना कुछ भी नहीं है, सब मजा ही मजा है। और मैं इसका मजा सरकार कौन सा भाई, सब डंगा तो पी जाओ वे लैपटॉप बैठ कर साइकिल बैठ कर थोड़ी घनी जनता को दिखा दो हमने जो दिया, बाकी तो पूरी मड़ाई तो पूरे देश की लूट का यही खा जा, नेता ही खा जाते थे पहले, अब नेता बढ़िया काम कर रहे। अखिलेश ने भी तो काम करा था अपने टाइम में महिलाओं के लिए, काम करा था महिलाओं के लिए, बलात्कार है, गुंडागर्दी, बदतमीजी, अखिलेश चोटी पर धरका है, ये चुंडे मुंडे पहन के सोने गुंटी, नरेंद्र मोदी को ना चाहिए भारत की नारियों को। यहाँ मेरठ के अंदर इतनी छेड़छाड़ होती थी कि बाकी लड़कियां बहुत परेशान होती थी निकलते हुए, डरती थी, कुछ तो पढ़ाई छोड़ के बैठ जाती थी, लेकिन आज का वो माहौल है। आज रैली में वो योगी और मोदी जी के देखा आपने, कुछ हुआ बढ़िया यूनिवर्सिटी? कोई नहीं है, कोई नहीं था बढ़िया। और वोट भी नहीं की गए, पहले तो ही बिकिनी, पहले तो ही। अखिलेश तो कह रहा है कि हम वापसी करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा समाजवादी आरएलडी के साथ जा रहा है, उसका नहीं बना काम, आरएलडी के साथ जा रहा है समाज, कोई फर्क नहीं पड़े उसका, कोई फर्क नहीं पड़े। अच्छा, तो हम पहले तीन चार थे बटड़े हो गए, तो दो चार गरीब कभी बटड़े हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो अखिलेश तो कह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर पैक होगी बाबा की इस बार, 400 उसकी हो रही पैक, उसकी पैक हो रही, मेरे साइकिल पे चढ़ के हम लखनऊ आ रहे हैं, कहीं नहीं जाने के, लखनऊ में वहीं रहेंगे भाई, आजमगढ़ कहाँ कहाँ वहीं रहेगा। ये जो अभी नोट पकड़े गए हैं कुछ इत्र कारोबारियों के, और जो इनके पकड़े गए थे, वो कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, ये जो जेसीबी से नोट निकाले गए हैं ये बोल रहे हैं हमें फंसाया गया है, कैसे देखते हैं इसको, चुनावी स्टंट था ये? ये चुनावी नहीं है, इनका होगा, इनका होगा, ये इतर बनावत है, इतर बनावत है तो, और इनका ही होगा और क्या, बस मेरे घरों लिखा का मेरा होगा, तेरे घरों लिखा का तेरा है। योगी ने ऐसा के बेहतर कर दिया अखिलेश से, जो योगी वापसी करेगा? देखिए कितने आजाद घूम रहे, ना गुंडागर्दी ना कुछ भी नहीं है, सब मजा ही मजा है, और इसका मजा सरकार कौन सा? अखिलेश में भी तो कम था गुंडागर्दी, अरे तेरा भला हो जाए, इतना था हत्ता जाते क्या गुंडागर्दी थी अखिलेश के पार्टी में? सड़क कौन जाता, सड़क लूटा थी सारा दिन सड़क लूटा थी, सड़क में से कटिया खुल जावे तेरा फोल का दिखा दो। ये थे और योगी को दूसरी बार भी हम मुख्यमंत्री बनाऊंगे। किस तरह बनाऊंगे? अखिलेश क्यों ना चाहिए? अखिलेश ना चाहिए हमको, विवाद कराता है और गंदा विवाद कराता है। अच्छा। हमको नहीं कर देनी उसको एक भी वोट। अच्छा। हाँ, योगी को देंगे। अच्छा। हाँ, अखिलेश तो कह रहा है कि इस बार बाबा बोरिया बिस्तर बांधेगा इस बार यूपी से। ये कौन होता है जिसके पास भगवान के आया दोनों हाथ सिर पर, कौन हटाने वाला? कमल का फूल तो खिलेगा हमारे उत्तर भारत में। अच्छा। हाँ, सुपर इंडिया बना कर जागा नरेंद्र मोदी इस तीसरी बार भी। और जब ईसा इंडिया बोल लेंगे ना, कौन विदेश प्रदेश कस्बे और शहर, ये हमारा इंडियन बनकर रहेगा। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, श्री राम बनाएगा। वो तो तुड़वाने की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर तुड़वा देंगे। हम तो क्या लगता है टेंट में श्री राम को इतने साल किसने बिठा के रखा था टेंट में? टेंट में अखिलेश सरकार न और स्पंजे न कांग्रेस न, और राम अवतार है ये नरेंद्र मोदी, ये ना इस भारत को राम की अयोध्या बना देंगे पूरे भारत को। अखिलेश ने भी तो काम करा था अपने टाइम में महिलाओं के लिए, काम करा था महिलाओं के लिए, बलात्कार है, गुंडागर्दी, बदतमीजी, अखिलेश चोटी पर धरका है, ये चुंडे मुंडे पहन के सोने गुंटी, नरेंद्र मोदी को ना चाहिए भारत की नारियों को। हमें तो इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, और हम नरेंद्र मोदी को कमल के फूल को इस जनता के बीच में कमल का फूल खिला के रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा योगी और मोदी इनकी जोड़ी सदा बनी रहे और सदा इन्हीं की सरकार रहे, बाकी जितने ये और दल हैं ये सब चोर उचक्के और डकैत हैं, सब देश को लूटना चाहते हैं, यही एक दो इंसान ऐसे हैं जो। अखिलेश तो कह रहा है कि हम 400 सीट से ऊपर लेके आओगे यूपी में, एक भी नहीं मिले वहीं ले लगा अपने उसमें एटा मैनपुरी में, यहाँ नहीं, हम नहीं देने के, यहाँ नहीं मिलने के, मैं भी जाट हूँ, हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल ना। योगी जी और मोदी जी के साथ है जाट पक्का, 60% हमारे जिला मुजफ्फरनगर, 70% 300 यूनिट की बात करें कि 300 यूनिट फ्री देंगे हम, हमें नहीं चाहिए एक यूनिट भी, सब इनकी भाजपा वालों, इनकी भाजपा का चाहिए हमें तो शासन, सरकार चाह बीजेपी की बस। 300 यूनिट देगा तो यूपी की जनता को, 300 यूनिट के पैसे दे देंगे हम उसे, वो तो पहले भी 3-3 लाख में नौकरी देते, सब झूठे आश्वासन, 3-3 लाख में नौकरी देते थे जब इनकी सरकार थी, 3 लाख रुपए चंदा जमा करो तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं।
ये हालात जो मेहनत करेगा वो नौकरी लेगा। भाई सबसे पहले योगी जी ने यो बढ़िया काम करा, दिल्ली जाने के लिए एक घंटे में दिल्ली पहुंचते हम हैं, यानी पहले भटकते रह जाते, जाम में फंसे रह जाते, तो ये सबसे बढ़िया काम हुआ। नहीं आप क्या बोलोगे क्या जी? बढ़िया काम हुआ, रोड बढ़िया काम, रोड राइड बहुत बढ़िया, घना बढ़िया। सब बड़ंगा तो पी जाओगे, लैपटॉप बैठ कर, साइकिल बैठ कर, थोड़ी घनी जनता को दिखा दो हमने युद्ध किया, बाकी तो पूरी मड़ाई तो पूरे देश की लूट का यही खा जा, नेता ही खा जाते थे पहले, अब नेता बढ़िया काम कर रहे। शेर का शिकार तो हत्ती भी ना कर सकता, पढ़ाई वो सौरा कद में भी बड़ा हो और उसमें भी क्या बोल रहे ताकत में भी, मोदी मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है। अगर मोदी ना होता तो आज अयोध्या में मंदिर ना बने था। योगी उत्तर प्रदेश, योगी उत्तर प्रदेश में, योगी तो मोदी से बढ़िया भाई, बढ़िया योगी, मोदी तो पीछे छोड़ दिया, योगी ने पीछे छोड़ दिया, आने वाला टाइम में योगी आएगा पक्का होगा। हाँ 100% योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि जैसे पहले यहाँ मेरठ के अंदर इतनी छेड़छाड़ होती थी कि वाकई लड़कियाँ बहुत परेशान होती थी निकलते हुए, डरती थी, कुछ तो पढ़ाइयाँ छोड़ के बैठ जाती थी, लेकिन आज का वो माहौल है कि लड़कियाँ इतनी शेरनी हो गई। और ये सत्य बात है कि मतलब कोई छेड़ना तो दूर, ये सब बातें खत्म हो चुकी है। जो मेरठ का एक दंगा होता था ना लड़कियों के मामले में, वो सब खत्म हो चुका है। अखिलेश यादव की सरकार में भी तो अच्छा किया था, उन्होंने भी तो अच्छा किया, उन्होंने क्या अच्छा किया था? मतलब आप किसी को खरीद सकते हैं क्या? बात इज्जत और सम्मान की होती है ना, जो महिला को सम्मान आज इतना गौरव महसूस करती हैं, हर लड़कियां घर घर में बहू बेटियां जो कभी नहीं निकलती थी, हमसे पूछो ना वो कितनी खुश होती है। और आज मैंने रैली में देखा है एक बुजुर्ग को और मतलब महिला को जो बहुएं घूंघटे करके आई हैं, मतलब इतना परिवर्तन हो चुका है कि जो घूंघट की घर में रहती थी आज वो रैली के स्थल तक आ गई हैं। आप कैसे देखते हैं मैम योगी जी की सरकार को, क्यों चाहती है यहाँ की जनता और अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहिए? देखिए योगी जी की सरकार ने जो काम किया है वो दिख रहा है, और अखिलेश जी की सरकार में जो काम किया था इससे सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अखिलेश जी की रैली में उनके मंत्रियों के मुंह से निकल जाता है कि हम सपा सरकार को जड़ से साफ करेंगे। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि वो अपनी ही रैली में अपनी ही सरकार को उखाड़ देने की बात करते हैं। और योगी जी ने तो जो काम किया है वो जमीनी स्तर पर किया है और जनता जानती है, कोई जनता बेवकूफ़ नहीं है। अखिलेश जी तो कहते हैं कि साइकिल इस बार लखनऊ उनकी जा रही है, लखनऊ में साइकिल उनकी पार्क नहीं, उनकी साइकिल के दोनों टायर पंचर हो चुके हैं और वो आप कितनी भी कोशिश करें घसीटने की भी कोशिश करेंगे तो भी साइकिल वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो बोलने के हम तो डिंपल भाभी को पीछे बिठा के और लखनऊ पहुंचाइए। आप अपने क्षेत्र से हार चुके हैं तो आप कैसे इतना बड़ा सपना देख सकते हैं? अब तो आप मुंगेरी लाल के सपने ही देख सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आएगी और हम मोदी के नेतृत्व में देश उन्नत चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं मैम पिछले 5 साल के कार्य को? 3 तलाक हो और महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या कोरोना में जो राशन देने की बात हो, फाइनेंशियल हेल्प देने की बात हो, योगी सरकार ने अच्छा काम किया या अखिलेश सरकार ने इससे बेहतर काम किया? देखिए योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। एक गरीब और एक मजबूर साहे को नाज गेहूँ राशन पहुंचाना, कोरोना काल में हॉस्पिटल में जगह नहीं थी उनको हॉस्पिटलों में सिलेंडर देना और उनकी मदद करना, दवाइयों तक दिलवाना, और ये आजकल की मोमडन जो घर में ही कैद रह जाती थी आज मोमडन देखो रैली में आई हैं। कितनी मोमडन ऐसी हैं जो 3 तलाक के लिए लड़ती थी आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मुद्दा था राम मंदिर का चल रहा था, इस पर कोई भी जितनी भी सरकारें आई किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारे योगी जी और मोदी जी ने कार्रवाई करी है और हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे दो ही रतन हैं, अनमोल रतन जी ने कहते हैं, एक तो एक मोदी जी और एक योगी जी। अच्छा एक नए एंट्री एक नए शख्स की एंट्री हुई है यूपी के पॉलिटिक्स में ओवैसी जी की, वो कह रहे हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, तो कौन बचाए? वो हैदराबाद से यहाँ क्या करने आए? अब वहाँ पर तो वो जीत नहीं पाए और यहाँ पर यूपी में आके कैसे वो कह सकते हैं कि यहाँ उनकी सीट निकल जाएगी? साथ नहीं देंगे ओवैसी का, मतलब ही नहीं है किसी का भी, उनकी उनका साथ तो बुरके वाली भी नहीं देने वाली है। एक कांग्रेस पार्टी का नेता है जो राहुल गांधी, देखो जी वो एक क्षेत्रीय पार्टी, जो हमारे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं यहाँ कैली में, अभी उनका प्रियंका गांधी आई थी उन्होंने अपना रैली करी, एक जो जो प्रधानमंत्री का दावेदार है वो एक मतलब है क्षेत्रीय पार्टी है, छोटी छोटी पार्टियों के आके यहाँ पर रैली निकाल रहा है, जो उसको वहाँ दिल्ली में कोई पूछ ही नहीं रहा उनको। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो हमारी जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, एक जो नीचे स्तर पर गरीबी रेखा के जो लोग रह रहे थे जिनके जिन्हें यही नहीं पता लगता था कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, आज सीधा डायरेक्ट पैसा गरीब के खाते में आता है
और उसको पता लगता है कि मेरे खाते में पैसा आ रहा है। पहले तो पता ही नहीं लगता था हो क्या रहा है देश में। ये शायद आने वाली पहले भी किसी सरकार ने ऐसे कार्य नहीं किए, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, ऐसे कार्य नहीं हुए। और सबसे बढ़िया ये देखिए कि हमारे मेरठ को इतना बढ़िया वो मिला है खेल के लिए स्टेडियम जो होने जा रहा है, जहाँ महिलाएं दबी भी थी अब तक नहीं जाती थी बाहर खेलने के लिए जाते, हाँ तो अब जो है महिला जो है यहाँ खेलेंगी भी, अपने देश का नाम भी बुलाएंगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार की वापसी हो रही है, वो 400 पार ले जाएंगे, और योगी जी तो मतलब बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। भैया जनता सब जानती है, जनता जानती है कि उन्होंने कि मतलब कैसे पैसे से, जनता की पैसे से कैसे बाप बेटे आराम मतलब ऐश करते हैं, समझे नहीं, सफाई में ऐश करते हैं, नाचते हैं गाते हैं। और देखिए योगी मोदी जी पे क्या है, कुछ नहीं है बेचारे, ये तो अपना इनका तो परिवार ही देश है, इनकी तो माँ बेटी बहनें सब परिवार ही हिंदुस्तान में यही है, इनका अपना कुछ नहीं है। एक अखिलेश जी को देख लिए गाड़ी में घूमते हैं, अपने लाखों रुपये गाड़ी घूमते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं घूमते। एक योगी जी हैं पैदल चलते हैं, तो सरकार में बहुत फर्क है, इसलिए अब जो आएंगे तो योगी जी ही आएंगे।